लेकिन अब चूंकि रवाज आम हो गया, जनाजे की हद तक तो सारे जूतों में शुरू हो गए बगैर किसी इस्तिस्ना के। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब मैदान में जनाजा पढ़ते हैं तो सारे जूतों में अक्सर पढ़ते, यानी इस हद तक तो हदीस को उन्होंने मान लिया है, तस्लीम कर लिया है और किसी ने आज तक इनकार नहीं किया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुखालफत करो उनकी, वो नहीं जायज सुनते, आप जायज सुन। इसका माना यह भी नहीं है कि जूतों में ही नमाज पढ़े या जूतों में नमाज को जरूरी समझे या फर्ज जान, ये भी इसको जायज समझे कि ऐसा जायज और मौका ऐसा हो तो जायज। मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह शरह मिश्कात में उन्होंने इस हदीस पर बड़ा एक प्यारा तबसरा किया, फरमाते हैं कि जायज तो है, हदीस में है, जायज है, जवाज है, लेकिन मस्जिद और जगह भी उसकी मुतकाजी हो तो फिर ठीक है, हदीस है, अमल करें। आगे शेख रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात एक लिखी है, फरमाया जो दौरे हाजिर की हमारी मसाजिद है इनकी जो सफाई सुराई और का इंतजाम और इंसराम है, जो कालीने और जो सफ़े मसाजिद में बिछाई जाती और जो बाहर की हमारी मिट्टी और गलियां और उनकी जो गलाजत और गंदगी है उसका भी कुछ तकाजा है, उसका भी ख्याल रखा जाए। और आखिर में फरमाते हैं कि जो इन कालीनों पर और इस साफ सुथरी सफ़ों पर जानबूझ के जो बंदा जूते पहन पर, बाद लोगों की आदत, हमारे यहाँ भी एक आध बंदा ऐसा सरगोदा में है जो इसरार करता है और वाजिब समझता है और ज़रूरी समझता है कि मैंने जूतों में ही नमाज पढ़ी। शेख साहब ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, फरमाया जो इस हालात में और इन सफाई सुथराई और इस कालीनों पर और इस बार वाले गलियों की सफाई और जो हालत कैफियत है उसके बावजूद जो इसरार करे उसकी मुरम्मत भी उन्हीं जूतों से की जाए। ये शेख ने बड़ी एक प्यारी बात लिखी। तो मुखालफत का रसूलुल्लाह सल्लम ने हुक्म दिया है कि यहूद की मुखालफत करो, इसी तरह बाल रंगने के हवाले से भी आपने फरमाया वो बाल नहीं रंगते यहूदी, तुम उनकी मुखालफत करो, बालों को रंग करो, निदाड़ी के साथ मेहंदी के साथ अपने बालों को रंगो, इसके रंग को बदलो, इसकी सफेदी को बदलो। ये भी यहूदियों की मुखालफत, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने मुखालफत का हुक्म दिया है, ये नफरत की इंतहा है। यहूदियों के अनुसार दिल में खैरखाई और मोहब्बत के जज्बात ना हो। और आजकल आपके इल्म में है पूरी दुनिया में यहूदियों की एक ही नजायज रियासत है इसराइल, उसके बारे में इस्लामी ममालिक में मोहब्बत और प्यार के जो कैफियत बढ़ती जा रही है, जो उसकी तरफ झुकाव और उससे मोहब्बत और उसके साथ तल्लुकात और उसको मानना और तस्लीम करने की तरफ जो रुझान बढ़ता जा रहा है, ये हमारे लिए इंतहाई मामला फिक्र अंगेज। उनकी मोहब्बत दिल में ना हो और फिर इतनी नाजायज रियासत जो इस्लामी ममालिक के हक में दरमियान में सिर्फ इसलिए खड़ी की गई हो कि मुसलमानों को जो है वो शिकंजा उन पर हमारा कसा रहे और हमारा
दबाव उन पर कायम रहे और हमारे लिए उन पर हमला उनको काबू करना आसान। अब देखें जो हालात और वाकयात इस वक्त दुनिया में, उसको जरा सामने रख। गजा की जो हालत कैफियत है कि वहां हजारों मुसलमान शहीद हो चुके और हजारों बच्चे और औरतें लापता है, ये भी बात तय नहीं है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं या कहीं लापता है। फिर जंग बंदी होगी और अरब सारे मालिक से गजा को आबाद करने के हवाले से पैसे ले लिए जाएंगे और उनकी पुष्टपना जो है ईसाई वो इसी आड़ में इसराइल को फिर एक दफा असलहा से भर दे। ये गजा की इमारतें बनाते रहेंगे मुसलमान, भाई इनको बहाल करें, इनको खड़ा करें, इनके मकान बनाए, इनके पर खर्च करें और वो इसराइल को फिर मजबूत करते रहेंगे इसी तामुन के आड़। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के खिलाफ एक इस्लाम की तो एक पूरी तारीख है। यहूदियों की यह ख्वाहिश है यहां बैठे क्यों हैं, इनका मौकफ यह है कि ये बैतुल मुकद्दस, ये शाम, ये खैबर, ये अरब का इलाका हमारा है, इसको वो मकबूजा समझते हैं, इसको वो हासिल करने की कोशिश करने में लगे हुए। वो अपनी तारीख को, अपनी मार्ग को, अपने फिटकार धुतकार जो इस्लाम ने उनको दिया है वो भूले नहीं है। हम भूले हैं जो सब कुछ भूल चुके हैं, हमें नहीं परवाह, लेकिन वो नहीं अपनी तारीख भूले। वो अपनी एक बस्ती का नक्शा बनाए बैठे हैं कि यहां तक सारा इसराइल होगा, यहां तक हमारी हुकूमत होगी, जो जो इलाके हमसे छीने गए। और पूरी बसीरत से ये कहा सकते कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर को फतह किया, उस दिन से लेकर आज तक यहूदियों के दिल में इतनी नफरत और इतना गुस्सा है, नस्ल दर नस्ल चल रहा। ये सारी साजिश थी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला को, उसी गुस्से में यहूदियों ने, खारजियों ने उसके बैक में यही जोड़ी थे कि उनको शहीद किया। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम आले रसूल को जमीन अरब से निकाल के एक एक करके चुन चुन के शहीद करें, और उन्होंने ऐसा किया। सैयदना हुसैन इब्ने अली की शहादत जहरी तौर पे अहले कूफा है, सामने तो अहले कूफा है, सामने और रखे गए, पीछे बैक में जो होती है उनकी साजिश है। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला को और उनकी आल को करबला में जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, ये उसी खैबर का बदला लिया जाए। आप जानते हैं खैबर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ने बशारत दी थी इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, इससे मुराद फतह मक्का से पहले, इससे मुराद तो खैबर, खैबर की फतह की बशारतें और ऐलानात कुरान में आ गए थे। और वही 1400 सहाबा किराम जो सुलह हुदैबिया पे मौजूद थे वही खैबर के मुजाहिदीन थे। आपने ऐलान किया तो जो सिर्फ जिहाद की नीयत और इरादे से निकलना चाहता है वो निकले, तो यही 1400 सहाबा निकले खैबर में। और खैबर मदीना पाक से तकरीबन 125 के करीब
किलोमीटर करीब ये यहूदियों का इलाका था। ये एक कला नहीं है, तकरीबन 8 कले जो यहूदियों के थे। सबसे आगे जो कला था जिसका सरदार मरहब, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया 7 हिजरी में कि आपका यह ऐलान कि आप खैबर की तरह पर हमले के लिए तैयार हो। ये तो ये 1400 साहबा की जमात इसके लिए तैयार हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 1400 साहबा को ले जिनके लिए अलग बशारते हैं, आपने फरमाया जिसने मेरे हाथ पे बैत रिजवान के मौके पर बैत की है इनमें से एक मेरा प्यारा जहन्नम में नहीं जाए। ये सारे जनती गिरोह सहाबा इकराम के लिए अलग खास है, उनकी ये खास फजीलत है कि उनको दर्जा हासिल है। इन असहाब रसूल को बैत रिजवान वाले जो बैत रिजवान में रसूल असलम के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने यहां खैबर की तरफ रुख की, आप रास्ते में रास्ते को बदल के शाम की राह से जो मुल्क शाम से खैबर में दाखिल होता था ताकि यहूदी यहां से अगर उन्हें इतला हो निकलें दौड़ें तो शाम की तरफ दौड़ेंगे तो आगे रास्ते पर ही हमारी फौज हमारा जत्था मौजूद हो। फजर की नमाज के बाद वो अपने बगात अपनी जमीनों की तरफ जा रहे थे यहूदी, तो अचानक देखा कि मोहम्मद मुस्तफा का काफिला आ रहा। वो डरे भागे दौड़े और अपने कलों में दाखिल हो, बच्चों औरतों को दूसरे कले में दाखिल करके इस पहले कले में मुकाबले के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो। इब्तदाई कुछ दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमाते रहे, लेकिन यहूदियों ने बड़े मुनज्जम होके मुकाबला किया, हत्ता कि इस मुकाम तक बात पहुंची कि हो सकता है सहाबा किराम जहरी तौर पर मायूसी की तरफ जा रहे थे कि ये तो खैबर फतह ही नहीं हो रहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी, अल्लाह के अम्र से खुशखबरी आई, आपने फरमाया मेरे सहाबा कल मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और उस शख्स के हाथों अल्लाह ताला खैबर को फतह कर दे। ये सहाबा इकराम के लिए खुशखबरी थी, ये कुरान पाक की वो तफसीर थी ना फतह ना लक फतहम मुबीना कि हम एक खुली फतह से आपको नवाजें। ये फतह खैबर की तरफ बशारत थी, खबर थी, रसूलुल्लाह सल्लम को यकीन था, आपने सहाबा को ये गारंटी दे दी, फरमा कल झंडा दूंगा ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करता है और वो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी, ये अंदर की गवाही है, ये दिल की गवाही है, ये ईमान की गवाही है। बहुत बड़ी फजीलत है कि किसी के बारे में रसूलुल्लाह ये फरमा दे कि उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है और उस बंदे की मोहब्बत, उस बंदे के साथ मोहब्बत अल्लाह करता है और अल्लाह का रसूल कर। सहाबा फरमाते हैं सारी रात सहाबा इस इंतजार में रहे और इस तलब और चाहत में रहे, काश वो नाम मेरा हो, वो शख्सियत, वो दर्जा, वो मकाम, ये इज्जत, ये शर्फ मुझे नसीब हो। सवेरे सारे इंतजार में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मार्के को तरतीब दिया तो आप सहाबा किराम सामने बैठे कि अब झंडा देना है हुजूर ने, पता नहीं किसको मिलता है। वहां सहाबा किराम के बारे में आता है कि वो उठ उठ के इधर बैठे होते, फिर उठ के इधर बैठते, फिर उठ के इधर बैठते कि रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए, हो सकते हमें ही आवाज दे दें कि आ जाए, इन सामने आने की कोशिश करते,
ये एजाज ही बड़ा है कि अल्लाह और उसके रसूलों से मोहब्बत करता। तो आपने पूरे इज्तिमा को देखा तो आपने पूछा कि अली इब्ने अबी तालिब कहा रजी अल्लाह ताला। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है रहमतुल्लाह ने कि जितने इनफरादी फजाइल सैयदना अली के हैं इतने और किसी सहाबी के इनफरादी फजाइल साबित नहीं, इतने फजाइल जितने सैयदना अली रजी अल्लाह ताला। तो नबी अलैहि सल्लम ने पूछा कहाँ है वो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला। अल्लाह का अमर देखो आपने जब पूछा उसका जो इज्तिमा में मौजूद ही कहा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो खैमे में है, वो आज तो मार्के में शामिल ही नहीं हो सकेंगे, वो तो बीमार है, उनकी आंखें दुख रही, आंखों को तकलीफ है, आंखों को दर्द है और आज वो मार्के में लाजिम बात है, जिहाद के लिए बुनियाद तो आंख है, देखना है, वो नहीं आ सके। आपने फरमाया उन्हीं को बुलाओ, बुलाओ उन, बुलाया गया। उसने अली की आंखों को रसूल ने देखा तो आपने लुआब पाक उनकी आंखों पर लगाया। सीना अली फरमाते हैं जब लुआब रसूल लगा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कभी तकलीफ हुई ही नहीं थी, और फिर सीना अली की आंखें कभी जिंदगी भर खराब भी नहीं हुई, तकलीफ भी नहीं हुई खाल उन आंखों को। आपने फरमाया सीना अली को झंडा था, सीना अली रजी अल्लाह ताला नो फाते खैबर पहले कले के फाते सैयदना अली ठहरे रजी अल्लाह ताला। आप कि आपकी क्यादत से आदत ये काफिला ये मुजाहिदीन का गिरोह खैबर के पहले कले पर हमला आवर हो, मरहब बहुत बड़ा बहादुर जंगजू था। और अहले सीर ने लिखा है कि मरहब 1000 बंदा भी अगर मुकाबले में होता ना तो अकेला मरहब होता तो लोग उसको काफी समझते थे, उसके बारे में ये मारूफ था ये मशहूर। तो उसने मैं पहली दफा ही मरहब बाहर निकला ताकि ये जुरत ये जो बहादुरी इन्होंने दिखाई है कि मदीना से आके यहां पे हमला आवर हो गए तो पहली मरतबा ही क्यों ना इनको दौड़ा दिया जाए। मरहब का नाम सुनकर दुनिया कांपती थी। तो सैयदना आमिर बिन अकवा रजी अल्लाह ताला उसके ऐलान पर बाहर निकले सबसे पहले, लेकिन हमले के दौरान इन्होंने भी वार किया लेकिन मरहब का वार कामयाब होगा और सैयदना आमिर रजी अल्लाह ताला ने जख्मी होकर गिर पड़े। फिर सैयदना अली रजी अल्लाह ताला आ गया, वो कह रहा था कि मैं मरब और मेरा ये मुकाम कि मैं ये बहादुर और जंगजू और इतना दलेर हूं। तो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला जवाबन जो अरशाद फरमाया अनल्लजी सम्मतनी बेउम्मी हैदारा, मैं वो हूँ अनल्लजी सम्मतनी उम्मी हैदारा, मैं भी वो हूँ जिसकी माँ ने नाम हैदर रखा। हैदर का माना क्या होता है? शेर। मेरा नाम शेर हैदर मेरी माँ ने रखा है और मैं भी जो है वो सा के बराबर, सा वजन का एक पैमाना है, इसके साथ नहीं बल्कि नेजों के साथ आज मामलात को बराबर करूँगा। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला मरहब पर फाते ठहरे, मरहब के वजूद के दो टुकड़े कर डाले सैयदना अली रजी अल्लाह तआला। बस मरहब का कत्ल होना था कि सहाबा किराम की यहूदियों के साथ गमसान की लड़ाई और जंग शुरू हो, रसूलुल्लाह सहाबा किराम समेत अंदर दाखिल हो, एक कला फतह हुआ दूसरा कला फतह हुआ, ये 8 कले हैं जो उनको कई दिनों में बेतरतीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की। माल गनीमत ढेरों असलहा गल्ला खजूरे सोना और चांदी माल गनीमत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हाथ। फिर
फिर आगे तो कले यहूदी खुद ब खुद हवाले करते गए, बगैर जंग के बगैर लड़ाई के हवाले करते। माले फै की सूरत में वो माल जो है वो जमा होता रहा। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना फरमाती है कि जब खैबर फतह हुआ तो हमने ये यकीन कर लिया कि अब हम सैर होके खाना खाया करेंगे, हमें गल्ला भी मिलेगा, हमें खजूरें भी मिली। ना इससे पहले तो हमारे घरों में चूल्हों में कभी कई कई महीने कई कई अयाम गुजर जाते, आग भी नहीं जलती थी। ये हालत थी हमारे खुराक की, हमारे घर की। तो यहूदियों को भूलता है भला? ये खैबर यहूदियों को नहीं भूलता। वो नक्शा बनाए हुए हैं इसराइल कि ये खैबर हमारे इलाके हैं, हमारे मकबूजा इलाके हैं, हमने इनको वापस लेना है। बोले हैं मुसलमान जो उनके साथ दोस्ती, उनको मानने और उनको तस्लीम करने के लिए तैयार बैठ। ये वो खैबर है, ये वो इलाका है जो यहूदियों की बस्तियां हैं, यहूदियों के कले हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने अपने कब्जे में लिए है, जहां फतुहात अल्लाह ने अता फरमाई। भला वो कैसे उनको बर्दाश्त करे? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने माल तकसीम किया, 36 हिस्सों में माल गनीमत को तकसीम किया गया, हर हिस्से को फिर आगे 100 हिस्से बनाए। आप फरमाया 18 हिस्से, आधा हिस्सा जो है वो मुस्तहिकीन का वो जमा होगा बैतुल माल में, जहां से निजाम सल्तनत चलेगा बैतुल माल चलेगा, बैतुल माल में जमा होगा। बाकी 18 हिस्से जो है उनमें से एक हिस्सा उसको दिया जाएगा जो पैदल हाथ में और जो घोड़ा लेकर आया है, उसको दो हिस्से और दिए जाए। नबी अलैहिस्सलाम जब सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि हबशा से हिजरत करके वो पहुंचे मदीना में, तो मदीना तो सारा खाली था, हजूर खैबर में थे। वो बाकियों को बच्चों को औरतों को छोड़ के खैबर में जा पहुंचे। जब हजूर से मिले तो रसूल्ला ने फरमाया था कि मेरे इस जाफर को भी खैबर में से हिस्सा दिया जाए, और साथ फरमाया मुझे आज ये नहीं महसूस हो रहा, पता नहीं चल रहा कि मुझे जाफर तैयार के आने की ज्यादा खुशी है या खैबर के फतह होने की ज्यादा खुशी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। ये वो खैबर का इलाका है। इतना माल गनीमत नसीब हुआ कि मुहाजरीन जब वापस आए ना खैबर से, तो जितना माल उन्होंने अंसार से खजूरें ली हुई थी, बागात लिए हुए थे भाई की असीयत से, सब कुछ वापस कर दिया कि आज के बाद हमें तुम्हारी खजूरों की, तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने माल गनीमत से, माल फै से अल्लाह ने हम पर रहमत फरमा दी। ये वो यहूदियों को तकलीफ है, ये वो रोग है, ये वो दुख है। फिर यहूदियों इन्हीं कलों में से उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला ये अपने कबीले की सरदार थी और बड़ी खातून थी। जब ये लौंडी की असीयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन इनको ले आए, तो आपने फरमाया है सफिया को हजरत देहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला, जो सहाबा इकराम में से सूरत के लिहाज से सबसे ज्यादा खूबसूरत, जिनकी जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनकी सूरत में जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे, फरमाया ये इनके हवाले कर दीजिए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंचे खानदान की है, ऊंचे मुकाम की है, अपनी कौम की सरदार है, ये आपके शियान शान है कि आप इससे निकाह कर लें। तो नबी अलैहिस्सलाम उसको आजाद करके और उसके आजादी को हक मार करार दे के खुद निकाह करके उसे उम्मुल मोमिनीन बना दी। यहूदियों को ये चीजें आज दुख रही है, ये परेशान कर रही है उनको ये सारी चीजें। वो कैसे माफ कर सकते हैं? इसलिए वो लड़ रहे, वो अपनी सल्तनत के बढ़ाना चाहते हैं, उसका बढ़ाव चाहते हैं, उसकी बढ़ोतरी चाहते हैं। अरब का वो इलाका जो खैबर पर मुश्तमिल है, वो अपना उसको
ऐसे समझते हैं जैसे हम कश्मीर को अपने शहरग या अपना हिस्सा समझते, कहते हैं कश्मीर हमारा हक है, हमारा हिस्सा है। मकबूजा कश्मीर जो यहूदियों भारतीयों के कब्जे में चला गया उसको भी हम अपना हिस्सा समझ कि वो हमारा है। ऐसे ही उनका ये नजरिया है कि ये खैबर से हमें जो है निकाला गया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों ने खैबर का सारा इलाका हजूर के हवाले कर दिया तो यहूदी आए और कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इनकी ज़मीनों को खेती बाड़ी को मामलात को हम जानते हैं, हमें ये पटे पर हमें ये मुजारत पर आधे हिस्से पर ये ज़मीनें हमें दे दी जाए, साल के बाद हम इसका आधी जो आमदन है वो आपके हवाले कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कबूल कर ली। वहाँ यहाँ सहाबा का रहना और यहाँ सहाबा का देखभाल करना खेती बाड़ी करना मुश्किल होगा, ये यहूदी यहाँ मौजूद हैं ये शरारतें होती रहेंगी, चलो ये इस पर राजी हैं ज़िम्मी बन के रह रहे हैं और सारा हमारी मुजारत में रह रहे हैं तो ठीक है। हजूर ने उनको दे दी, हिस्सा लेते रहे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने साथ ये लिखवाया, ये शर्त तय करवाई कि जब हम चाहेंगे उस वक्त तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं हो। उन्होंने लिख के दे दिया पर ठीक है। यही लिखत यही तारीर सैयदना उमर के जमाने में इस पर अमल हुआ। आपका यह हुक्म था, रसूलुल्लाह सल्लम का यह हुक्म था कि इनको जजीरतुल अरब से यहूदियों को निकाल देना। सैयदना उमर ने इस पर अमल, आपने अपने दौरे खिलाफत में यहूदियों को कहा भाई यहां से निकल जाए, जजीरतुल अरब से आप यहां नहीं रह सकते। उनकी शरारतें शुरू हो गई तो आपने फरमाया कि आप निकल जाए। यहूदी वहां यहां से लवारस किए गए निकाले गए। अब वो उस वक्त से लेकर आज तक यहूदी जो है दुनिया में फैले हुए अब इसराइल में इकट्ठे हैं और ये शाम ये सारा हमारा है। ये कहते हैं सैयदना उमर ने हमसे लिया है बैतुल मुकद्दस, या वो मौजूद नहीं है वाकया तारीख में कि सैयद हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला, ये देख लें राफजी सबसे ज्यादा जिस जिस सहाबी के खिलाफ होंगे उसके पीछे यही यहूदियों की यही साजिश, ये भी आप अपने जहन में हमेशा के लिए नोट कर लें। राफजी जिस सहाबी के ज्यादा मुखालिफ होंगे समझे कि उसके पीछे शरारत यहूदियों की। ये अमर बिन आस को गालियां नंगी गालियां देते हैं, उसके पीछे भी ये यहूदियों की शरारत है कि हजरत शाम को फतह करने वाले हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह होता सैयदना उमर के ये सबसे ज्यादा मुखालिफ है। क्यों? यहूदियों को निकालने वाले सैयदना उमर है। फिर सैयदना उस्मान के खिलाफ, फिर मुल्क शाम के वाली सैयद अमीर मुआविया के खिलाफ। इनके दिलों में वो बुग्स, यहूदियों के दिलों में ये बुग्स भरा हुआ, क्योंकि राफजियत असल में नाम ही यहूदियत का, उनके ही अकायद का प्रचार इस्लाम के रूप में, इस्लाम के जनाब पर्दे में उन्हीं के अकायद नजरियात। आज तक ये झगड़ा नहीं है ये फदक का, तो फदक किस की बस्ती का नाम है? यहूदियों की बस्ती का नाम। और ये लोग आज तक ये कहां है, ये फदक की बस्ती है कहां? खैबर में है। खैबर में तो नहीं, ये खैबर से दो दिन की मुसाफत पर है, दो दिन की मुसाफत। लेकिन खैबर के साथ जोड़ा हुआ कैसे है? जैसे हर बंदे को पता है कि खैबर में ही फदक है, ऐसा नहीं है। तारीख को पढ़, ग्राफिया को पढ़े, ये तो खैबर से बस्ती ये यहूदियों की है, लेकिन खैबर से ये दो दिन की मुसाफत पर। आज इस दौर में सऊदी अरब का जो शहर हाइल है उसके करीब हाइत एक बस्ती है जिसको उस दौर में फदक कहा जाता, हाइत, आज उसका नाम हाइत है, उस वक्त फदक, ये यहूदियों की बस्ती। खैबर के बाद
रसूलुल्लाह ने यह महसूस किया कि पूरे अरब में जहां जहां यहूदियों की बस्ती है, खैबर के बाद पलटना वापस नहीं चाहिए। यहूदी वहां इकट्ठे होके कहीं जमा होके फिर प्रोग्राम प्रोपेगेंडा ना करें। यहूदियों की सारी बस्तियों को इस्लाम की दावत ने अगर कबूल करते हैं तो ठीक, नहीं तो जिमी बन के रहें, टैक्स दे के रहें, नहीं तो उनको कत्ल कर दिए। तो ये बस्ती मारूफ थी खैबर के बाद और खैबर से आगे थी। तो रसूलुल्लाह ने मुनासिब समझा, सहाबा इकराम को कहा कि आप फदक की जो यहूदियों की बस्ती मारूफ है उस पर भी हमला किए बगैर वापस नहीं जाए। तो यहां भी आए, पहले तो उन्होंने मुकाबले की कोशिश की, जब उन्हें खैबर की बस्तियों का पता चला कि वो तो उजड़ गई हैं, बर्बाद हो गई है, मखलूब हो गई है, यहूदी 90 के करीब यहूदी मारे गए। और हमारी तारीख तो ये थी, आज 7-8 हजार मुसलमान फलस्तीन में यहूदियों के हाथों शहीद हो चुके। पूरे खैबर की फतुहात में 15 से 18 तक, ज्यादा से ज्यादा 18, कम से कम 15 सहाबा इकराम शहीद। इतने नुकसान के बाद फतुहात हुई। यहूदी तो दुनिया की बुजदिल तरीन कौम थी, लेकिन आज ईसाइत की पुष्ट पनाही पर, अमेरिका और बरतानिया की पुष्ट पनाही की वजह से, उनकी जनाब की मां पर वो पूरी दुनिया को उन्होंने यलमगार बनाया हो और सारे मुसलमान उनके धोखे में उनको कबूल करने के लिए तैयार बने। जैसे वहां कोई सोना के पहाड़ है, इसराइल को मान, इसराइल को मान, इसराइल को मान। इसी वजह से फिर वहां की तंजीम हमास ने हमला कर, अब लोग कहते हैं जब उनके पास असलिया नहीं था, उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास कुछ था नहीं, तो हमला क्यों किया? उन्हें हमला पता क्यों किए? उन्हें कहा अगर हमला नहीं करते तो इसराइल को सारे मुस्लिमी ममालिक मानने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे में तो सब हस्ती से मिटा दिया जाए। उन्हें कहा एक ही तरीका रह गया कि छलांग लगा जाओ, इसराइल के अंदर दाखिल हो जाओ, दुनिया की तवज्जो ताकि मरकूज हो जाए और इसराइल को न माने, इनको जगाओ मुसलमानों। उन्होंने जान के निजराने पेश किए, नहत्ते हो के भी हमलावर हो, अगर हमलावर ना हो तो देख ले मुल्क तारीख पढ़ ले, सारे इस्लामी ममालिक इसराइल को मान गए। अब वो पीछे हटे हुए, डरे हुए कि हमारे खिलाफ आवाम निकलना आए अगर हम इसराइल को माना। लेकिन मजाल है कोई जुर्रत के साथ कोई बयान चा दे, हिम्मत के साथ कोई ऐलान जिहाद चा करे। यहूदी पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, पूरी दुनिया, इनकी मर्दमशुमारी को देख ले, पढ़ ले, अब तो नेट पर सब कुछ मौजूद है। लेकिन उनको पूरी दुनिया की मईशत को, पूरी दुनिया को मफलूज किया हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले के दौर से लेकर आज तक मार खा के वो आप बदले लेना चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा से, कुरान से, दीन से। मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा ने जो उनको जख्मी किया आज वो उनके बदलों के लिए तैयार है। ये जो तुम कहते हो ना ईरान बड़ा मुखालिफ है इसराइल का, सबसे पहले उसने मुखालफत की, उसने कहा मैं रॉकेट दाग दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सबसे ज्यादा इस्लामी मुल्कों में से इसराइल का मुखालिफ कौन है? ईरान ही नजर आता है। तो क्या हम ईरान को फिर खराज तहसीन पेश करें? नहीं, यही तो साजिश, ईरान हमें दी है, ईरान मुआमिन है, ईरान की तो ख्वाहिश है कि ये सऊदी अरब और दीगर ममालिक पर भी आगे खुले और हमला आवर हो और ये मिटे। वो तो मुखालवत जारी करता है, अंदर से मिले हो जुड़े हुए, कैसे हो सकता है कि यहूदी रियासत का मुखालिफ ईरान हो? ये मुमकिन ही नहीं।
तारीख का हिस्सा है, इसको पढ़ के देख। क्या राफसियों ने कभी यहूदियों से मुखालफत की है? मुमकिन ही नहीं। यहूदियों के कत्ल का इंतजाम देखे ईरान में, क्या अस्फहान का इलाका, ईरान का पूरा इलाका अस्फहान का यहूदियों का, यहां भी यहूदी। इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में। ये कैसे हो सकता है कि अपने मुल्क के लोगों की वो मुखालफत करें? जहां से दज्जाल ने निकलना है और यहूदियों ने झंडे लेके उनके साथ मिलना है, वो इलाका कहां है? रसूलुल्लाह क्या फरमा गए? रसूलुल्लाह फरमाते हैं यहां से यहूदी निकलेंगे और उसके साथ दज्जाल के साथ निकलेंगे, लश्कर उसके साथ होगा, काले उनके झंडे होंगे। रसूलुल्लाह ने वजाहत की है अस्फहान के इलाके जब दज्जाल ने निकलना है तो यहूदी उसके साथ होंगे। यहूदी वहां आबाद है, यहूदी मौजूद है। फिर यमन से होते हुए मदीने की तरफ दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो बनु तमीम उनको धकेल के खैबर की तरफ ले जाएंगे और शाम, फिर मुल्क शाम। ये सारा इसराइल ये कहते हैं हमारा इलाका है, वहीं पर ईसा बिन मरियम नाजिल होके फिर कत्ल करेंगे यहूदियों को और दज्जाल। ये पूरा मंजर बनता जा रहा है। जैसे हदीस में नक्शा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, वो पूरा नक्शा हमारे सामने। एक एक हदीस को इस हवाले से पढ़ के देख ले। तो ये यहूदियों का एक प्रोपेगंडा है राफसियों का कि हम बड़े खिलाफ हैं, हम बड़े खिलाफ। तो ये एक अमली कदम, रॉकेट को लाकर फेंका हो नहीं, ये भी हो सकता है किसी खाली जगह पर, किसी मुनासिब जगह पर ये ईरान हमला करके ये भी बावर कराने की कोशिश करे कि मैं इसका मुखालिफ। लेकिन ऐसा नहीं। सऊदी अरब की नफरत ईरान के दिल में कूट कूट के भरी हुई। शायद हमारे दिल में इतनी भारत की नफरत नहीं है जितनी उनके दिल में सऊदी अरब की नफरत। वो चाहते हैं कि उस राहों से राकेट फेंके जहां गलती से गिरे, यहां पर फेंके वहां, गिरे यहां। वो तो ये चाहते हमें ऊपर से फिजा की इजाजत। यहूदी इस दुनिया का बदतरीन गिरोह, ये इस बदले की जलन और ख्वाहिश में है जो इंशाअल्लाह कभी पूरी नहीं होगी। ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी चाहत है कि हमने इस इलाके को लेना है, फदक को लेना है। बताओ फिर फदक का सबसे पहले आवाज किसने बुलंद की थी? अब्दुल्लाह इब्ने सबा। कि ये किसका हक है? ये आले रसूल आले बैत का हक है। हालांकि फदक जब फतह हुआ, फदक माले फै की सूरत में बगैर लड़ाई के जब फदक की बस्ती यहूदियों ने हवाले कर दी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया इसकी जितनी आमदन है ये आले रसूल के लिए खास रहेगी। जितनी आमदन आती रसूलुल्लाह सल्लम बनु हाशम में अपने खानदान में उसको तकसीम कर दे। बनु हाशम के जवानों के निकाहों का, शादियों का इंतजाम और इंसराम कर। यही सैयदा फातिमा तो जरा नुक्ता उठाया सीना सिद्दीक से कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला नो, क्या इसकी तौलियत, इसकी निगरानी, इसका हक के विरासत हमें मिलेगा? फरमाया नहीं, हजूर की विरासत तकसीम नहीं होती, ये उसी तरह तकसीम होता रहेगा जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़माने में तकसीम होता था। अहले बैत को इसको दिया जाता रहेगा जैसे रसूल के ज़माने में दिया जाता था। हक हकूमत का रहेगा, आमदन सारी अहले बैत पे खर्च। और आज भी ये बात सुन ले कि फदक की जो जमीन है, आज आज फदक वही है ना, जमीन फदक की सारी जमीन सरकार के हवाले, वो मिल्कियत ही नहीं है, किसी बंदे नहीं है, मकामी बंदे की मलकियत नहीं, वो सारी गवर्नमेंट किराया, गवर्नमेंट उसकी आमदन वसूल कर। जिस तरह हमारे यहां औकाफ की जमीन होती है किराया कौन लेता है? हुकूमत लेती।
इसी तरह वो हुकूमत के हवाले, यहां तो डंडी चलती है वहां डंडी भी नहीं चलती। और आप सुन के ये बात अजीब महसूस करेंगे कि फदक की वो सारी जमीन आज भी हुकूमत के सरकारी तहवील में है, उनकी मिल्कियत में है, उसकी सारी आमदन आज भी जमा होती है, जो हजूर की आल में से वहां मौजूद हैं अरब में, सब उनकी वेलफेयर पे खर्च होती। आज भी उसका तरीका वही है जो सिद्दीक उमर के जमाने में था। जितने सादात हैं, जो हजूर की औलाद है, आले जाफर है, आले अकील हैं, आले अब्बास है, आले अली हैं, जो आले हसन हैं, आले हुसैन हैं, जितने अरब में मौजूद हैं, उनकी खिदमत के लिए वो वक्फ, आज तक वही निजाम है जो सहाबा इकराम के दौर में था, जिसको सैयदना सिद्दीक ने जारी किया, फिर सैयदना उमर ने जारी। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है सही बुखारी वगैरह कि उन्होंने अहले बैत के इसरार पर, क्यों कि बागे फदक, इलाका फदक, वहां जो है उसका कोई ना कोई बंदा तो यहां जाएगा ना सरकारी, जो उसकी आमदन वसूल करेगा वहां से लोगों से। तो आले रसूल अहले बैत ने कहा कि चलो निगरानी हमें दे दे, अगर विरासत तकसीम नहीं होती ना हो, ये तो हदीस में आ गया, लेकिन निगरानी तो हम ले सकते हैं ना, कि निगरानी हम जाएं वहां से सारी आमदन ले आए, बैतुल माल में जमा कराएं, फिर अमीरुल मोमिनीन उसको अहले बैत पे तकसीम के इंसाफ से खर्च कर दे, चलो जाएं तो हम, जब हक हमारा है, पैसा हमें मिलना है, उसकी आमदन हमें मिलनी है, तकसीम अहले बैत पे होनी है, बनु हाशिम पे होनी है, तो फिर जाएं भी बनु हाशिम, वहां से ले आए वसूल करें। आज भी आपके इल्म में है ना कि महकमा ज़कात में सदात को भर्ती नहीं किया जा, क्यों कि इन पर ज़कात नहीं, ज़कात नहीं लगती, ज़कात नहीं खर्च होती। ये अलग बात है कि ज़बरदस्ती कोई ज़कात खाता रहे, इस्लाम तो ये कहता है सदात पर, आले रसूल पर ज़कात नहीं लग। तो नबी अलैहिस्सलाम जो कि बागे फदक था और माले फै था, माले गनीमत से दूसरी किस्म माले फै जो जंग के बगैर हासिल हो, वो आले रसूल के लिए वक्फ था, हजूर तकसीम करते थे, सीना सिद्दीक तकसीम करते रहे। सीना उमर ने फरमाया चलो अहले बैत का ये इसरार है तो उनकी मोहब्बत में, अकीदत में, प्यार में, फरमाया बट ठीक है आप में से जो बड़ा है उसको निगरान बना दे। यही होता है ना बात, जो खानदान में सबसे बड़ा है फिर उसको निगरान बना दे। उन्हें कहा भाई कौन तुम्हारा बड़ा है? तो दो ही बड़े थे, या सैयदना अली थे या फिर सैयदना अली के चचा अब्बास थे, जो हजूर के भी चाचा थे। अब आप बताएं खानदान में चाचा बड़ा होता है या भतीजा बड़ा होता है? चाचा बड़ा होता। तो सैयदना उमर ने फरमाया कि फिर चाचा जो है हजूर के भी चाचा हैं, अली पाक के भी चाचा हैं, बनु हाशिम में जब डायरेक्ट मौजूद है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जब खुद मौजूद है तो फिर वो वाली बने, वो वारिस बने, वो जिम्मेदारी करें, वो जिम्मेदारी उठाएं, जाएं ले आएं और बैतुल माल में जमा कराएं, जैसे तकसीम हो जाए तकसीम हो जाए। हजरत सरकारी तौर पर सैयदना अब्बास को निगरान मुकर्रर कर दिया गया, सैयदना उमर ने कर दिया। जब कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी मुकर्रर हो गए, तय हो गए, लिखे गए, अब्बास की जिम्मेदारी लग गई, सैयदना अली और सैयदना अब्बास का आपस में इस तकर्री पर इख्तलाफ। सैयदना अब्बास फरमाए कि मैं चाचा हूं, मेरा हक है। उन्होंने फरमाया मैं हजूर का दामाद भी हूं और हजूर के चचे का बेटा भी हूं, मेरा हक क्या? फरमाया नहीं, आप नहीं, मेरा हक। जब दोनों में इख्तलाफ हुआ, फिर इख्तलाफ लेके सैयदना उमर के पास आए, आपने फरमाया वही फैसला होगा जो हजूर का था और सिद्दीक का था, अब दोनों नहीं है, फिर वही निजाम कायम रहे। ये बातें छुपाई जाती, बयान नहीं की जाती, शायद हसास नोयत की बातें हैं तब नहीं बयान होती कि कहीं कोई मुखालिफ ना हो। तो सारी बात का खुलासा कि यहूदियों को तकलीफ है, परेशानी है, वो अपनी रियासत को यहां तक बढ़ाना चाहते हैं,
जो इंशाल्लाह उनकी ख्वाहिश क़यामत तक पूरी नहीं होगी। इसराइल आगे नहीं बढ़ सकेगा, अल्लाह उसको वहां ही निस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों पर वाजिब जरूरी फर्द है कि उसको रोके, जुल्म से तशद्दुद से रोके। इंतहा हो गई है। कुत्ता जिया पर जब उन बच्चियों की हालात कैफियत कि 8 साल बच्ची है, सबसे घर में बड़ी है, पूरा खानदान शहीद हो गया, बस 8 साल बच्ची है, 2 छोटियां बच्ची हैं, उससे भी छोटी हैं, वो तीनों बहनें घर में बैठी हैं, पूरे खानदान में कोई भी नहीं रहा सिवाय उन बच्चियों। ऐसी ऐसी दुख भरी दास्तान है कि बंदे को नींद नहीं आती, सुकून नहीं आता। ये वो जज्बात है जो बयान पे मजबूर करते। इंशाअल्लाह हमारा फलस्तीन से ला इलाहा इल्लल्लाह का ये रिश्ता जो है ये कायम है और कायम रहेगा, और उनके लिए आवाज़ बुलंद होती रहे। हमारा फलस्तीनियों से रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ही आवाज़ में मोहब्बत अपनी अकीदत का ये इजहार करें कि फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसराइल का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं रही। हमारा मौकफ यह है कि इस्लामी हुकूमतों का ये फ़र्ज है कि वो ऐलान जिहाद करें। जब वो ऐलान जिहाद करें तो इंशाल्लाह जाने के लिए तो हम तैयार हैं, इसराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐलान हुकूमत का फ़र्ज है। रास्ते खोलना ये हुकूमत का फ़र्ज है, या उनको रोका जाए या फिर जिहाद के राहों को खोल दिया जाए और मुसलमानों को जाने की इजाज़त दे दी जाए, फिर देखें इसराइल कितने दिन रहता है। या फिर कोई अल्लाह ऐसा सबब बना दे, अलम तरके फफा अला रब का बेसहाबिल फील अलम यजाल कई दम फी तजलील वारसला अलैहिम तैरन अबाबील। ए अल्लाह तू अबाबीलों से काम ले लेता, ए अल्लाह तू कादिर है फलस्तीनियों की मदद फरमा दे, अल्लाह तू कादिर है, ऐसा कोई अपने कुदरत का मंत्र दिखा दे कि हम सुने कि इसराइल का नामो निशान मिट गया है। अल्लाह कोई ऐसा अपनी कुदरत का मंदिर दिखा दे, या उम्मत मुस्लिमा के वालियों को, जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को हदायत और जज्बे जिहाद अता कर दे, और यहूदियों की नफरत हमारे दिलों में पैदा कर दे। ये वो बदतरीन गिरोह है जिससे हर नमाज की हर रक्त में पनाह मांगी जाती है, गैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम। अल्लाह यहूदियों से बचा ले, अल्लाह यहूदियों के राहों से बचा ले। ये अल-मग़ज़ूब ये कौन है? ये यहूदी है जिनसे हम नमाज की हर रक्त में पनाह मांगते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस्लाम से, दीन से, जिहाद से सही मोहब्बत नसीब फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तफ़ुल्लाह ली वलकुम वलिसाल मुस्लिमीन व आखिर दुआ वाहिया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।